Hello friends, I Dr. V. Kumar Srivastava welcome all of you in this video lecture course of linear algebra. Friends, जैसा कि पिछले video lecture में हमने determinant पे based problem solve किया हुआ था और determinant की properties देखी थी, determinant की definition देखी थी और मैंने दो problem भी पिछले video lecture में solve किया हुआ था. इसमें एक और type का determinant पूछता है अक्सर van der Monde matrix के बारे में, right? तो वान डर मोंडे मैट्रिक्स है क्या? सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो, क्या कैसा, वन एक्स वन, एक्स वन का वो स्क्वायर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, एक्स वन का क्यूब अगर फोर क्रॉस फोर का हो गया तो सेकेंड एलिमेंट वन एक्स टू, एक्स टू का स्क्वायर, थर्ड है वन एक्स थ्री का स्क्वायर. अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में आता है देन ये थ्री क्रॉस थ्री का है, देन वी कॉल इट वान डर मोंडे मैट्रिक्स. अच्छा, इसी तरीके से दूसरा हम ये भी लिए हुए हैं फोर क्रॉस फोर का. देखिए ये अगर फोर ऑर्डर का, ये पावर थर्ड तक जाएगा, फिफ्थ ऑर्डर है तो फोर तक जाएगा, एक कम जाएगा. अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे, वन एक्स वन, एक्स वन का स्क्वायर, एक्स वन का क्यूब, सेकंड वन एक्स टू का स्क्वायर, एक्स टू का क्यूब, फोर्थ थर्ड इज वन एक्स थ्री का स्क्वायर, फोर्थ इज एक्स थ्री का क्यूब, वन एक्स फोर स्क्वायर, एक्स फोर का क्यूब, इस तरीके से. अब इस दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? देखिए डिटरमिनेंट ऑफ दिस बहुत ही आसान है, थ्री क्रॉस थ्री का पहले देखते हैं. देखिए एक्स थ्री यहाँ से स्टार्ट करके जो फर्स्ट डिग्री का है, ये पावर नहीं देखना, सिर्फ आपको ये सेकेंड वाला कॉलम को देखना है, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ये आपको ध्यान रखना. इस एक्स थ्री से पहले इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, राइट. अब क्या बचा, एक्स टू बचा, इसके ऊपर देखते जाइए, इससे दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिए, इसके ऊपर जाइए, एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस वन इज द डिटरमिनेंट. आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कैलकुलेशन से आपका ये निकल जाएगा. सेकेंड देखिए, इसको देखते हैं अगर फोर का आ गया तो कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे. देखिए इसमें भी वही प्रोसीजर करेंगे, पहले एक्स फोर में से सबको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सेकेंड कॉलम को सिर्फ आपको देखना है, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, एक्स फोर माइनस एक्स टू, एक्स फोर माइनस एक्स वन, इस एक्स फोर से ही इन तीनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ तक आ गया. अब एक्स थ्री से सब्सट्रैक्ट कर दिए, एक्स थ्री से क्या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर वाला एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, अब क्या बचा, एक्स टू बचा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन. दिस वन इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ वान डर मोंडे मैट्रिक्स, राइट. तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे भी आप बाय प्रोसेस भी जा सकते हैं, जैसे उसको बताया कि रो वन के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर, बट इफ यू विल परफॉर्म दिस प्रोसेस देन इट विल बी वेरी लेंदी. और इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें जो अभी जस्ट बताया तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट. तो कंपटीशन के एग्जाम में आपको क्विकली क्वेश्चन को करना है, ना कि वहाँ पे प्रोसेस हमें दिखाना है, प्रोसेस तो आप जानते ही क्या है, राइट. तो अगर वान डर मोंडे मैट्रिक्स आ गया तो उसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे आप. और देखिए कंपटीशन के एग्जाम में कुछ ऐसे मैट्रिक्स आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं सीएसआईआर के एग्जाम, एक एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ लिया हुआ है. तो कंपटीशन के एग्जाम में आपको ध्यान ये देना है कि प्रोसेस पे नहीं जाना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्या दिया हुआ, कौन सी मैट्रिक्स दिया हुआ है. ये नहीं कि मैट्रिक्स दे दिया और आपने भाई प्रोसेस करते चले गए, पता चला प्रोसेस कर रहे हैं उसमें 10 मिनट से 15 मिनट टाइम लग गए, आएगा लेकिन 10-15 मिनट आपके पास टाइम है, आपके पास 2-3 मिनट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है मैक्सिमम, या मैक्सिमम 5 मिनट भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है. अब देखिए आइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ सीएसआईआर दिसंबर 2014 में और ये वान डर मोंडे मैट्रिक्स पे ही है. पूछा हुआ द डिटरमिनेंट ऑफ वन, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वन वन प्लस वाई, वन प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर, वन वन प्लस जेड प्लस वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर. देखिए अभी ये वान डर मोंडे मैट्रिक्स है नहीं, लेकिन हाँ हम इसे बना सकते हैं और हमेशा क्वेश्चन कुछ घुमा के ही पूछता है, आपको पहचानना होगा. देखिए कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ वन है और वन से आप पहले आप जानते हैं वान डर मोंडे मैट्रिक्स में पहला जो होता है, पहला कॉलम पूरा वन वन होता है, वन वन दिया है, सेकेंड फर्स्ट डिग्री का दिया होता है, देखिए फर्स्ट डिग्री का दिया, यहाँ भी फर्स्ट डिग्री है, थर्ड कॉलम में आते हैं, थर्ड कॉलम में देखिए स्क्वायर है, हाँ यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन उसके साथ एडिशनल चीज़ें भी दी हुई हैं, तो उन एडिशनल चीज़ों को हम रिमूव कैसे करेंगे,
वो आपको बताया हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो अगर अच्छा इसके चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के भी आप पता लगा सकते हैं हाँ वान डर वाल्स मैट्रिक्स में इस तरीके से एक्सपेंशन होता है और उसी फॉर्म में दिया भी हुआ है। पहला दिया है जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, सेकेंड ऑप्शन इज एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड, थर्ड ऑप्शन इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आप पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से उस फॉर्म में बना ले। तो देखिए इसमें बहुत आसान है, इसमें एक्स वाई जेड और प्लस वन है, अगर इस सी टू को सी वन से सब्सट्रैक्ट कर दे तो वन 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 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला ऑपरेशन लगा सकते हैं सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी वन से हम निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड बचेगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को देखिए, तो यहाँ वन प्लस एक्स है, यहाँ वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई, और यहाँ पे वन प्लस वाई प्लस वाई वन प्लस जेड, यहाँ वन प्लस जेड प्लस, अगर वन प्लस जेड वाले टर्म या वन प्लस वाई वन प्लस एक्स इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दे तो क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बचेगा। तो सेकेंड जो ऑपरेशन लगाया वो यही लगाया सी थ्री इक्वल टू सी थ्री माइनस सी टू, तो यहाँ से क्या बच जाएगा अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो एक्स वन प्लस एक्स माइनस वन यानी एक्स, वन प्लस वाई माइनस वन यानी वाई, और वन प्लस जेड माइनस वन यानी जेड। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी वन, ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे सी थ्री इक्वल टू सी थ्री माइनस सी टू, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। देखिए इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें से वन प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और थर्ड वाले में से वन प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्म है वान डर वाल्स मैट्रिक्स के फॉर्म है ये। और अब इस फॉर्म के लिए डायरेक्ट आपको क्या बताया जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, पहले इस सेकंड कॉलम से ही हम निकाल लेते हैं किसी भी वान डर वाल्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं सेकंड कॉलम से। तो आप जेड माइनस वाई सॉरी जेड माइनस वाई और जेड माइनस एक्स यहाँ मैं ऐसे पहले करके लिख दिया, तो जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स, देखिए जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई और सेकंड क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स राइट। तो अब चलिए अब ऑप्शन देखिए अब क्या है, ऑप्शन कौन सा होता है जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, यही ऑप्शन है जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स, देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। सो आपको क्वेश्चन को देखना है पहचानना है और विद इन वन और टू मिनट उसको सॉल्व करना है। तो ये वांडर मॉन्डे मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट अक्सर सी एस आई या नेट एग्जाम में आया हुआ है, इसे तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और भी कुछ प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ अगर डिटरमिनेंट पे आया हुआ है इस तरीके से तो मैं सॉल्व करा देता हूँ। बहरहाल सी एस आई के जितने प्रॉब्लम आए हुए हैं या और भी कहीं जैम में गेट में उन सारे प्रॉब्लम्स को पैरेलली आप सॉल्व करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे शेयर करिए, मैं जरूर कोशिश करूँगा कि विद इन टाइम उसको सेंड करूँ ठीक है। हो सकता है कुछ वीडियो लेक्चर में आपने क्वेश्चन भेज रहे हैं और एक दो दिन टाइम लगे, जैसे ही मैं खाली होता हूँ उसको सॉल्व करके आपको भेजता हूँ। अगर फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें जिससे फर्दर इम्प्रूवमेंट होने का चांस भी रहे। और कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना जल्दी हो सके इस पूरे लीनियर एल्जेब्रा को फिनिश करने के लिए, और साथ में एक दो टॉपिक और पीडी के बचे हैं उन पीडी के भी टॉपिक को और एक टॉपिक ओडी का भी ग्रीन्स थ्योरम पे बचा है उसको भी मैं जल्दी ही कवर करूँगा। लीनियर एल्जेब्रा इस हफ्ते में फोकस अभी कर रहा हूँ क्योंकि लीनियर एल्जेब्रा से आपको 50 नंबर के क्वेश्चन बड़े आराम से मिल सकते हैं, और यानी हाफ जो फाइट है वो मतलब विन करने के लिए आपको लीनियर एल्जेब्रा और कॉम्प्लेक्स ये अगर आपने कर लिया तो बहुत आसानी से आराम से बिना किसी टेंशन के ही आप सी एस आई आर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए अभी मैं मेन फोकस कर रहा हूँ कि 100% हमें गेन करना है लीनियर एल्जेब्रा कॉम्प्लेक्स और पीडी इस पर। इसके बाद मैं और भी प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ही लिया है रियल एनालिसिस के, और भी देखते रहेंगे जैसे भी आएंगे तो सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।